बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। लेकिन तुम उठालती जा रही हो, टालती जा रही हो। अब नहीं टालती पुप्पू, मैं मास को अपनाने के लिए तैयार हूं। सच? वालेकुम सलाम, आप अम्मी से गए थे मिलने? जी जी, वापसी में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? वो कैसे? अलीजा तो ठीक है ना? जी जी, वो ठीक है, बस मामूली सी चोटें आई हैं। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में आप? आप फिक्र नहीं करें, मैं हूँ उनके साथ उनका ख्याल रखने के लिए। मैं खुद घर छोड़ कर जाऊंगा उनको। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, आप छोड़ने आ जाइएगा। जी ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह करे माज आज तुम टाइम पे आ जाओ, मजा आ जाएगा। बस ये वाला घर है भाई, यहाँ रुकिए। बस बस बस, नहीं ठीक है। आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज आ जाएं। आए आए। आप यहाँ? जी, वो एक्सीडेंट का सुना था ना, तो रहा नहीं गया मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। अल्लाह ने बचाया है, वरना क्या पता नहीं क्यों मुझे अब यकीन हो गया है कि अलीजा की जिंदगी से ये सारे दुख बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप जो हैं उसके साथ। मैं तो शुरू से ही उनके साथ हूँ। माज और अलीजा की शादी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा मेरी चाहत पर। यहाँ दिल की बजाय अलीजा की चाहत धड़कन बन के धड़कती है। नाकाम आशिक, इश्क लड़ाने के लिए तुझे मेरी बीवी मिलती है? इसके बाद यहाँ पे नजर आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल जाओ यहाँ से। अच्छा हुआ जो आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया ये मंजर, वरना ये नजारे तो हम रोज ही देखते हैं। ये इल्जाम है मुझ पर? कुछ खुदा का खौफ करो लड़की, आंखों देखा कोई कैसे झुटला सकता है? सच तो ये है बेटा कि रोज इसी के साथ आती है ये। नहीं, नहीं मास,
साथ के साथ क्यों होंगी, मैं किसी के भी साथ क्यों होंगी? मैं तो रिहैब गई थी, वहां एक्सीडेंट हो गया। वो तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें यकीन नहीं है मेरी बात पर? यकीन किस बात पर यकीन करूं मैं? उस पर जो तुम अब मुझसे कह रही हो, या उस पर जो मैंने अब अपनी आंखों से देखा है? अरे आंखों देखो तो फिर भी मैं डाल दूं, लेकिन जो अपने कानों से सुना है ना मैंने अभी, उसका क्या करूं मैं? ये सच नहीं है बास। मुझे तो शुरू से इसके लच्छन पे शक था, अब देख लिया शादी के बाद भी कैसे इश्क मशूकियां लड़ा रही है। बेटा मैं तो कहती हूँ, तीन लफ्ज उठा के इसके मुंह पे मार, फारिग कर दे इसे। उसके नजदीक गमें तर के वफा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसे हैं जैसे के हुआ कुछ भी नहीं। अब तो किस्मत से ये मौका मिला है रीशा, इस शक की सुलगती आग को ठंडा मत होने देना, समझी? वाह पप्पू। ये आँखें तेरे बाद बंजर कोई सूख जाए, तू मुझसे जुदा है मगर ये दुआ है। कहाँ जा रही हो तुम? तुमसे पूछ रहा हूं मैं, तुम कहाँ जा रही हो? इन आंखों में प्यार देखना चाहत है। बात को घुमाओ मत, जो पूछा है उसका जवाब दो। अम्मी के घर जा रही हूं। वजह? वजह तुम्हारा रीशा के लिए इश्क है और मेरे लिए शक। तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी, मेरे निकाह में हो तुम, यहीं रहोगी मेरी नजरों के सामने। काश के रोकने का सबब तुम्हारा शक नहीं, तुम्हारा प्यार होता। मुझे छोड़ने का बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। रीशा प्लीज, बेवफाई अलीजा ने की, तो मुझसे क्यों नाराज हो रही? तुमसे नाराज नहीं हूं मैं, साथ की वजह से मैं उलझा हुआ हूं बस। उलझन कैसी? जैसे मैं तुमसे प्यार करती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, ऐसे ही साथ भी अलीसा से प्यार करता है।
अलीसा मेरी बीवी है अरीशा। मजबूरी में बनी बीवी से समझौते का रिश्ता ही निभाओगे क्या सारी जिंदगी? तो फिर मैं तुम्हारी जिंदगी में क्या कर रही हूँ? अलीजा कोई नहीं बल्कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए। मैं फिर से खो देने की हिम्मत नहीं है मजनू। तो फिर तुम्हें फैसला करना होगा मास। अगर मुझे इस घर में रखना है तो अलीजा को यहां से जाना होगा। कहाँ खोए हुए? कहीं नहीं, बस ये माज और अलीजा के मामले ने उलझा दिया। गया था मैं माज के ऑफिस उसे समझाने। फिर क्या, कुछ पता नहीं। प्यार के मामलात में कभी भी कोई भी बात यकीनी नहीं होती। अब देखते हैं कि अलीजा का प्यार जीतता है या माज अपने प्यार को जीतता है। अलीजा से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि मुझे तो यकीन है कि वो अपने हक के लिए कभी भी नहीं लड़ेगी। देखा जाए तो अलीजा अपनी मोहब्बत सही निभा रही है, बिना किसी गर्ज के, बेलॉस। सच कहूं तो मेरे दिल में अलीजा के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। हेलो अलीजा जी, कैसी हैं आप? मैं परेशान हो रहा था। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? परेशान होने जैसा रिश्ता कोई है ही नहीं। परेशान होने के लिए रिश्ते की नहीं, एहसास की जरूरत होती है अलीजा जी। अगर आपको मेरा इतना ही एहसास है ना, तो आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा। निकली नहीं अभी तक कमरे से। अरे तौबा करो, जो एक मिनट के लिए निकली हो, मुझे तो लगता है मायूं बैठ गई है। और तुम कहाँ निकल गई थी सुबह सुबह? कुछ अधूरे काम थे जिनको पूरा करना जरूरी हो गया। डिवोर्स पेपर तैयार करवा लिए मैंने, बस अब माँ से साइन करवा लिया। बहुत जल्दी है बहन को तलाक दिलवाने की। पेपर्स वापस करो मुझे, वरना क्या कर लोगी तुम? मैं कह रही हूं कि पेपर्स वापस करो मुझे। पेपर्स चाहिए तुम्हें? Thank you.
तुम्हारी असलियत और औकात बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। मारिया, चुप कर जा, बोलने नहीं दे अम्मी मुझे। कुछ दिन में घर ना आई, तुमने तो खुद को यहाँ की मालकिन समझ ली है। अम्मी को उंगलियों पे नचा रही हो। भाई तो सदा से तुम्हारे इशारों पे नाचता था। बेवकूफ है वो जो तुम जैसी घटिया और नीच लड़की की। परेशान, परेशान, इधर आ मेरी बच्ची, इधर आ, इधर आ, आजा, आजा आराम से। अम्मी या भाई नहीं हूं मैं जो तुम्हारा हर बार चुपचाप सहती रहूंगी। आइंदा कभी मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की ना तो तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी मैं। पागल ही हो जाती है गुस्से में। उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मेरी फूफा आप क्यों माफी मांग रही हैं? आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। माफ तो मैं इस मारिया को मर कर भी ना करूं। जो जंग में बाहर लड़कर आई हूं ना तुम्हारे लिए, वो मुझे नहीं तुम्हें लड़नी चाहिए थी। लड़ा तो दुश्मनों से जाता है मारिया, जब अपने ही मुकाबल बन जाए तो हार मान लेनी चाहिए। हार ही मानी थी तो यहां रह क्यों रही हो? चली जाओ ना यहां से। मैं तो जाना चाहती थी पर माज ने रोक लिया। माज तो पागल है जो उसने रोक लिया। तू अभी के अभी निकल यहाँ से। मैं क्या करिए, छोड़े उसका हाथ। तू बीच में मत बोल, ये मेरे घर का मामला है। किसे यहाँ रखना है, किसे दफा करना है, इस बात का फैसला मैं करूंगी। पछताएंगी अम्मी आप, बहुत बुरा पछताएंगी। ये देख मेरे जुड़े हुए हाथ, देख, मुझे माफ कर भाई, मुझे माफ कर। ये जो हमदर्दियां तूने इस मनहूस के लिए अपने दिल में पाल ली है, अपने पास रख। ये देख, ढीठों की ढीठ है तो पत्थर बन के वहीं खड़ी है। कोई शर्म कोई गैरत नहीं है तेरे अंदर? निकल मेरे घर से। फूफो उठ, निकल। तो क्या कर रही है, मुझे तकलीफ हो रही है। तकलीफ हो रही है, निकल मेरे घर से, निकल। तू ना हुसत फैला रखी है तूने।
जहां तूने यादों की गठड़ी को छोड़ा, वहीं मैंने अशकों की माला रखी है। मुझे गम दिया है जो किस्तों में तूने मेरे घर में उस गम की दुनिया रखी है, दुनिया रखी है। बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का, निगाहें मुझे छोड़ने का। बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का, निगाहें मिला के मुझे छोड़ने का। बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। सर, इस प्रोजेक्ट की ईमेल सुबह मैंने की थी, उसके प्रिंटआउट्स आपके सामने सबके सामने मौजूद हैं। सो सर, हम डिस्कस करते हैं पॉइंटर्स वन बाय वन। सो सॉरी जी सर, तो फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं वो सर ओके। मरिया क्या बात है, मीटिंग में हूँ। अम्मी अलीजा को घर से निकाल रही है। क्या क्यों? वजह तुम्हारी जान से प्यारी अरीशा है, तुम लोग ठीक नहीं कर रहे उसके साथ। हेलो, इज एवरीथिंग ओके मिस्टर मास? नॉट रियली सर, घर में एक इमरजेंसी हो गई है। सर इट्स ओके, बाकी की प्रेजेंटेशन असद दे दे। ओके श्योर, यू मे लीव। असद प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सर। या सर, तो कितने पैसे हो गए? जी किराया भाई, किराया तो नहीं है मेरे पास। किराया तो देना पड़ेगा। कितना किराया भाई? 300 रुपए किराया। चल छोड़ दे, बच्ची है। अम्मी, अम्मी क्या हुआ बेटा? मैं अलीजा कहाँ पे है? हमें क्या पता, गई होगी उसी यार के पास अपने। तुम्हें चोट कैसे लगी? अब अलीजा ने थप्पड़ मारा था, गिरी तो मेज का कोना लग गया माथे पे। झूठ क्यों बोल रही है फूफो, सच बताए ना। मारिया ने थप्पड़ मारा मुझे, और सिर्फ थप्पड़ ही नहीं, हाथ पकड़ के घर से भी निकाल रही थी। किस हक से? हक ही तो नहीं है मेरा तुम पर, इसलिए तो थप्पड़ और इतनी जलालत सहनी पड़ रही है मुझे। बचा नहीं सकती थी मारिया, क्या जरूरत थी शिकायत लगाने की? मारिया को उसकी औकात याद दिलाने के लिए मास को बताना जरूरी था।
मैं जब भी आंटी से मिलने के लिए आता हूँ ना, तो ये अपनी पसंद का फल कह देती है मुझे लाने को। मैं नेक्स्ट विजिट में फिर वो ले आता हूँ इनके लिए। लास्ट टाइम इन्होंने इसका कहा तो मैं ले आया। खाएं खाएं ना। वो खाना है मुझे, वो मैं नेक्स्ट टाइम ले आऊंगा। वो मुझे खाना। नहीं नहीं, मैं ले आऊंगा ना, ले आऊंगा मैं नेक्स्ट। वो चाहिए। अच्छा 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 प्लीज। अच्छा, मैं मांगता। एक्सक्यूज मी, वो चाहिए। एक सेब मिल जाएगा? जी जरूर। बहुत शुक्रिया। वो छुरी भी दे दे प्लीज। सर यहाँ अलाउ नहीं है छुरी। मुझे पता है, वो मैं ख्याल रखूंगा। कैसे खाएंगी वो? जी बहुत शुक्रिया। अम्मी छोड़े छुरी, मैं खुद काटूंगी। अम्मी छुरी वापस। मैडम अम्मी आपको लग जाएगी छुरी, प्लीज छोड़ दें। नहीं 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 छोड़, मुझे चाहिए इसी छुरी। छोड़ो अम्मी, छोड़ो अम्मी, छोड़ो छुरी, साथ को छोड़ दे। अम्मी छोड़ दे, गाने लग रही है। छोड़ो इसे अम्मी, छुरी छोड़ दे। छोड़ो मैं कहती हूं, साथ को लग रही है, छोड़ दे। छोड़ो इसे अम्मी, प्लीज छोड़ दे छुरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अरीशा पे हाथ उठाने की? माज, आराम से बैठ के बात करते। अशर प्लीज, हमारे बीच में बात मत करना। क्या सोचा था तुमने कि अपनी मनमानी करती रहोगी तुम और कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा? भाई मैं चुप। एक और लफ्ज ना निकले तुम्हारे मुंह से। आज के बाद तुमने इस तरह की कोई भी हरकत की ना तो मैं भूल जाऊंगा तुम मेरी बहन हो। भूल तो तुम अब भी रहे हो कि तुम्हारी बहन है, और तुम इसके शौहर के सामने से इस तरह बात कर रहे हो। बुरा लगा ना अशर कि मैंने तुम्हारी बीवी से इस तरह बात की? उसी तरह मुझे भी बहुत बुरा लगा जब इसने अरीशा पे हाथ उठाया। मारिया बीवी है मेरी, इसकी इज्जत करना और करवाना फर्ज है मुझ पर। लेकिन तुम्हें क्यों बुरा लगा? तुम्हारा तो अरीशा से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम गलत जगह पर गलत लड़की के लिए लड़ रहे हो। होना तो यह चाहिए था कि तुम्हें अलीजा की फिक्र होती। आंटी ने उसको घर से निकाल दिया, वो इस वक्त कहां है, किधर है, सोचा तुमने? सॉरी, मेरी गलती है। अगर आंटी को कुछ हो जाता तो? आपको अब भी अम्मी की फिक्र है? आपको जो चोट लगी है उसका क्या? मेरी खैर है, मुझे कुछ नहीं होता। इससे कई गहरी चोटें खाई हैं। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? अब्बू की कब्र पर फूल डालना, अम्मी से मिलने आना, मेरे लिए परेशान होना, क्या मिलता है आपको ये सब कुछ करके? सुकून। कैसा सुकून? आप नहीं समझेंगी अलीजा जी। नहीं, मैं समझना चाहती हूँ, आप समझाएं मुझे।
इतना इंसल्टिंग बिहेवियर है मेरा आपके साथ, आपको क्या कुछ बुरा नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। इस दिल को आपका रवैया बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। अगर बातें खत्म हो गई हों तो चलें। ये तो आंटी से मिलने आई थी, बातें तो मैं करने लगा। बस चलें। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम मुझे एक फोन कॉल नहीं कर सकती थी क्या? फोन घर के अंदर था और मैं घर से बाहर थी। पुप्पू ने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे मुझ पर। तुम्हें बताओ कैसे करती मैं तुम्हें फोन? काफी देर दरवाजे खटखटाए मैंने, पुकारा पुप्पू को, अरीशा को, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, नहीं खोला दरवाजा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, इसलिए मैं मम्मी के पास चली आई। तुमने तो मुझे रोका था, मैंने ही तुम्हें रोका था, और अब मैं ही तुम्हें छोड़ने आया हूं। चाबी है तुम्हारे पास? नहीं, मैंने कहा था ना खाली हाथ निकली थी घर से। बैठो, बंद करो दरवाजा। तुम अंदर नहीं आओगे? नहीं। तुम्हारा सामान? अलीजा कहाँ है? कार में। तो तुम उसे अबू के घर छोड़ने जा रहे हो? बगैर डिवोर्स दिए? वो भी दे दूंगा। कब दोगे? बहुत जल्द। अभी क्यों नहीं दे देते? तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है क्या? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुमने कहा नहीं, लेकिन तुम्हारी बातों से लग तो यही रहा है।
बड़ा असर है इस तावीज में, इधर रखा नहीं कि उधर अलीसा गई। अच्छा माज अलीजा को अबू के घर छोड़ने गया है। नाराज हैं? हाँ, मर्जी है आपकी। अभी से बहुत ऊंची हवाओं में उड़ने लगी है तू। माज अलीजा को घर छोड़ने गया है, छोड़ नहीं दिया उसे। अभी घर छोड़ने गया है तो कल को तलाक भी दे देगा। आपको तो पता है ना मास का और उसके मेरे लिए प्यार का भी। हाँ पता है कि कैसे उसकी अकल पर, उसकी आंखों पे तेरे प्यार की पट्टी बंधी हुई है इन तावीजों की वजह से। तावीजों ने जो असर दिखाना था दिखा दिया। आप फिक्र ना करें, आगे का काम मैं संभाल लूंगी। रख लीजिए, मैंने पहले भी दो चक्कर लगाए लेकिन शायद आप घर पर मौजूद नहीं थी। देख लो कैसे दिलो जान से अलीजा की जिम्मेदारियां निभा रहा है।